Hello students, welcome back to another lecture of vectors. In the previous class I have explained that we solve a vector equation. Maine bataya tha ki we'll start with the questions based upon the mains pattern. Let's start those questions. So one by one sare questions ko solve karenge apan aur main ye dikhaunga ki kaise jo humne padha hai usko apply kaise karna hai to solve the questions. So first question hai ki ABCDEF is a regular hexagon. AD plus EB plus FC kya hoga? Chalo theek hai, फटाफट से देखते हैं कि निकालना क्या है. तो पहले मैं हेक्सागन ड्रॉ करता हूं. दिस इज ए बी सी डी. यार ये बी सी को सीधी कर देते हैं. ठीक ले, अब ठीक लग रहा है ये बी. ओके ना, ए बी सी डी एफ. तो इसने कहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सारे साइड्स बराबर हैं. और तो बताओ कि ए डी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर. जब भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिखता है मेरे को सीधा से एक चीज स्ट्राइक करती है यहाँ पे, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन. ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया है, पैरेललोग्राम अप्लाई किया है, पर यहाँ पे सारे साइड से तो अगर ट्राइंगल लॉ से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. सिंपली लेट्स अप्लाई पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन एंड लेट्स सी हाउ डज इट हेल्प्स अस. तो ए डी उसको नेक्स्ट पे आते हैं. फटाफट से देखो ए डी क्या है. ए डी, ए डी इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ए डी इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर. एंड नेक्स्ट इज ई बी. ई बी क्या आएगा. ई बी इज ई एफ वेक्टर एफ ए वेक्टर ए बी वेक्टर. ई एफ वेक्टर एफ ए वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस. फिर से फिगर में देखो, डायग्राम में देखो एफ सी. एफ सी की वैल्यू कितनी है. एफ सी मतलब कि ये वाला डायगनल एफ ए ए बी बी सी. एफ ए प्लस ए बी प्लस बी सी. क्विकली लेट्स प्रिपेयर ऑल द लाइक टर्म्स. ए बी सेम है, ए बी, ए बी तीन बार आया. थ्री टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस बी सी यहां है, बी सी यहां है. टू टाइम्स बी सी वेक्टर. और सी डी है यहां. एफ ए दो बार है. टू टाइम्स एफ ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर. एफ ए हो गया, बी सी हो गया, सी डी बचा, ई एफ बचा. सी डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर. ठीक है, अभी देखो वापस से फिगर में चलेंगे. सी डी वैक्टर क्या है. सी डी वैक्टर इज सेम एज सी डी. सी डी है माइन, ये सी डी वैक्टर, ये ए एफ वैक्टर. सी डी इज माइनस एफ ए. थ्री टाइम्स ए बी वैक्टर टू बी सी वैक्टर टू एफ ए वैक्टर. सी डी की जगह माइनस एफ ए वैक्टर. सिमिलरली ई एफ आ जाएगा माइनस बी सी वैक्टर. तो आंसर आ गया थ्री ए बी वैक्टर टू टाइम्स बी सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर. बचा बी सी वैक्टर प्लस एफ ए वैक्टर. तो बी सी प्लस एफ ए को सॉल्व करना है. फिर से फिगर में देखो, बी सी प्लस एफ ए, बी सी एफ ए. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया, सेंटर से जॉइन कर दिया इसके. तो ए इसको ओ पॉइंट देते हैं. तो ए ओ वैक्टर बी सी वैक्टर बराबर है. इसको उठा के यहां रख दिया, सारे के सारे वेक्टर ऐसे तो हैं. तो बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए ओ वैक्टर. तो थ्री ए बी वैक्टर प्लस ए ओ वैक्टर प्लस एफ ए वैक्टर. ए ओ वैक्टर प्लस एफ ए वैक्टर इज एफ ओ वैक्टर. थ्री टाइम्स ए बी वैक्टर प्लस एफ ओ वैक्टर. एफ ओ वैक्टर ए बी वैक्टर के बराबर है. तो थ्री टाइम्स ए बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर फोर ए बी वैक्टर. याद रखो ये सारे के सारे फ्री वैक्टर्स हैं, इनका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है. तो बी सी को उठा के अगर यहाँ रख दो, लेंथ तो बराबर है, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, हमको पता है ये लेंथ और लेंथ बराबर होती है. तो बी सी वैक्टर को हम इक्वेट कर सकते हैं ए ओ वैक्टर से, डायरेक्शन सेम है बिकॉज दीज टू आर पैरेलल. सिमिलरली ए बी और एफ ओ को मैंने इक्वेट किया क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और लेंथ भी सेम है, देयरफॉर दीज टू आर सेम वैक्टर्स. तो ये सब हम कर सकते हैं अगर हमारे पास गिवन वैक्टर्स आर फ्री वैक्टर्स. क्लियर है ये चीज़. तो आंसर आ गया फोर टाइम्स ए बी वैक्टर. क्लियर है ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन.
इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए दे रखा है, ए डिवाइड कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक लाइन है ए बी एंड ए बी इज डिवाइडेड बाय वेक्टर ए इन रेशियो 2:3 और ए के डायरेक्शन ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है a प्लस 2b। मान लिया b का पोजीशन वेक्टर है कैपिटल b वेक्टर। अभी देखो चाहे तो तुम इंटरनल इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, मैं एक्सटर्नल सेक्शन लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन लगाऊंगा। इफ दिस इज रेशियो 2 दिस इज रेशियो 3, ये पूरा कितना आ गया 5, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि b डिवाइड्स, ये मान लो c पॉइंट है a एंड c इन रेशियो 5:3, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे या b का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स a माइनस 3 टाइम्स a का पोजीशन वेक्टर a प्लस 2b डिवाइड बाय 5 माइनस 3, 5a माइनस 3a 2a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर अपॉन 2 a माइनस 3b वेक्टर, क्या आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट दिए दिस वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा एंड डबल्ड इन मैग्नीट्यूड देन इट बिकम्स दिस। तो एक वेक्टर था उसको कुछ एंगल थीटा से घुमाया और उसका मैग्नीट्यूड डबल किया तो विल गेट द अनदर वेक्टर। तो देखो यहाँ पे थीटा का तो कोई रोल ही नहीं है, थीटा का रोल इसलिए नहीं है कि थीटा की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है और ना ही उसने निकालने को बोला, तो थीटा से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने कहा कि इसको रोटेट करने पे डबल करने पे ये आता है, तो मतलब कि एक वेरिएबल है, क्यों ना मुझे ये पता है कि दिस इज ट्वाइस इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कि ये इसको डबल किया तो ये आया, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो इसको यूज करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो मैग्नीट्यूड पहले वाले का अंडर रूट 1 square x square 3 square इज ट्वाइस मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का, 4 square 4x minus 2 square plus 2 square square both sides 4 times ये 10 plus x square 4 square 16 plus 2 square 20 plus 4x minus 2 whole square 16x square plus 4 minus 16x ये 40 ये 20 बचा कितना नेट 20 plus 4x square is 16x square plus 4 minus 16x यहाँ 16x square यहाँ 4x square नेट बचा 12x square और यहाँ 20 यहाँ 4 बचा -16x उठाई और -16 is equal to 0 3x square minus 4x minus 4 is equal to 0 इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्प्लिट करते हैं, 3 into 4 12 12 6 और 2 3x square minus 6x plus 2x minus 4 is equal to 0 सॉल्व करने पे कितना आया, यहाँ पे 3x कॉमन लिया x minus 2 यहाँ पे क्या कॉमन लूँ -2 ले लूँ x minus 2 0 या तो x की वैल्यू 2/3 या फिर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो क्या आंसर हो गया, x की वैल्यू 2/3 या फिर 2 दोबारा चेक कर ले, गड़बड़ कर दिया 16x square minus 16 12 ठीक है, अरे हाँ ठीक है -6x, अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो -2/3 और 2 पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ए बी सी आर पी क्यू, देख रहे कहता इजी क्वेश्चन दे रहा है कि मतलब कि ए बी सी पी क्यू आर टर्म ऑफ अ जी पी है, ठीक है जी पी यूज कर लेंगे,
और का है कि इनके बीच का एंगल निकालो। एंगल समझते मतलब एंगल देखते समझ जाना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बात हो रही है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो सबसे पहले काम करते हैं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने पे क्या आएगा, देखो u डॉट v किया तो आया log a टाइम्स q माइनस r प्लस log b टाइम्स r माइनस p प्लस log c टाइम्स p माइनस q। ए बी सी आर पी, ए बी सी आर पी एच क्यू एच एंड आर टर्म ऑफ एन जी पी। तो ए क्या मान लिया, ए पी एच टर्म है तो आर पावर पी माइनस वन। ए और आर, ए मैंने अज्यूम कर लिया जी पी का पहला टर्म, आर अज्यूम कर लिया कॉमन रेशो। तो बी क्या अज्यूम करोगे, ए आर पावर क्यू माइनस वन, सी अज्यूम कर लेंगे ए आर पावर कैपिटल आ ले लो आर पावर आर माइनस वन। तो लॉग ए लोगे तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी लॉग ए प्लस पी माइनस वन लॉग आर टाइम्स क्यू माइनस आर। सिमिलरली लॉग बी के लिए देखो, यहाँ पे लॉग ए है तो यहाँ पे भी एक तो लॉग ए आएगा प्लस इस बार q माइनस वन log r, सब में वही चल रहा है, साथ में r माइनस पी प्लस लास्ट टर्म log c log a प्लस r माइनस वन log r p माइनस क्यू। सारे के सारे log इकट्ठे कर लो, लॉग ए इकट्ठे किए तो क्या आया q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। सारे के सारे लॉग आर इकट्ठे कर लो क्या आएगा, देखो p माइनस वन टाइम्स q माइनस आर, यहां से इसमें क्या है q माइनस वन टाइम्स आर माइनस पी, q माइनस वन आर माइनस पी, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ये पूरी टर्म जीरो प्लस लॉग आर पी टाइम्स क्यू माइनस आर क्यू टाइम्स आर माइनस पी आर टाइम्स पी माइनस क्यू। मैंने इस पी को इसके साथ, इस क्यू को इसके साथ, आर इसके साथ, बचे अगर माइनस वन टाइम्स इन सबका एडिशन वो भी जीरो प्लस जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये भी आ जाएगा जीरो। नेट कितना आ गया, वैल्यू नेट आ गई जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब एंगल कितना आ गया, एंगल इज इक्वल टू पाई बाय टी, पाई बाय टू मतलब द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है एंड आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, एंड आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। देखो क्या गिवन है, ए दे रखा है बी दे रखा है, आर क्रॉस ए बी क्रॉस ए, आर क्रॉस बी ए क्रॉस बी, देन अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, मतलब आर निकालना है। तो देखो ध्यान से, यहां पे बी क्रॉस ए है, यहां पे ए क्रॉस बी है, क्यों ना इनको ऐड किया जाए, क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए की वैल्यू जीरो होती है। तो गिवन क्या है, आर क्रॉस ए इज बी क्रॉस ए, आर क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी, एड आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी इज जीरो। आर कॉमन लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी कि भैया दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, आर इज पैरेलल टू
ए प्लस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जीरो, दैट मींस आर एंड ए प्लस बी आर पैरेलल. तो अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर चाहिए, तो आर इज लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी. यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइड बाय ए प्लस बी का मॉड कर दो. यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर. ए प्लस बी कितना है, I प्लस थ्री जे माइनस के, आई प्लस थ्री जे माइनस के डिवाइड बाय रूट वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर वन स्क्वायर, आई प्लस थ्री जे माइनस के अपॉन इलेवन. क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, लेट अस डिफाइन द लेंथ ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एज मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी. इसने कहा कि लेंथ ऑफ वेक्टर यूं तो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पर आज तो एक नई डेफिनेशन लगा रहा था, वो है मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी. दिस डेफिनेशन कोइंसाइड्स विद द यूजुअल डेफिनेशन. अच्छा मतलब ये पूछ रहा है कि अच्छा ये जो डेफिनेशन हमने दी है और जो असली में होती है ये दोनों बराबर कब होंगी, चेक करते हैं. तो अगर बराबर है तो मॉड ए मॉड बी प्लस मॉड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर करो दोनों साइड्स को, क्या आएगा देखो, यहाँ पे मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू टाइम्स मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड बी सी प्लस मॉड ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल आउट. यहां पता लगा कि मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ बी सी मॉड ऑफ ए सी इज जीरो. तीन पॉजिटिव चीजें ऐड होके जीरो बन रही है, मतलब कि डेफिनेटली ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो होंगी. तो ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए. तो अगर ए और बी जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो, मतलब कोई भी दो जीरो होते ही, देख रहे ध्यान से, कि या तो ए बी जीरो हो जाए, जैसे ही ए बी जीरो हुआ और बी सी जीरो हुआ, मतलब कि ए जीरो हुआ यहां बी जीरो हो जाए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली जीरो है. तो कोई भी अगर दो जीरो है तो अपना काम हो, जरूरी नहीं है कि तीसरी कंडीशन भी आए, ठीक है. तो इफ एंड ओनली इफ दिया इसने, कि तो मैं यहां बोलूंगा देखो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट दो, मैं इसकी कंडीशन भी ट्रू, अगर मल्टीपल होता तो मैं इसको भी देता इसको भी देता इसको भी देता, पर सिंगल करेक्ट है, मतलब कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि दो तो एटलीस्ट कर ही दो, तीन भी चलेगा पर हम चूज करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट, सो सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए की ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है. वेक्टर कोप्लेनर टू ए एंड बी हैज अ प्रोजेक्शन अलोंग सी फॉर मैग्नीट्यूड, ये ठीक है. चलो तो सबसे पहला काम है, एक वेक्टर ऐसा चाहिए जो को प्लेनर टू ए एंड बी हो और उसकी प्रोजेक्शन दे रखी है सी के अलोंग, ठीक है. वेक्टर ए है, वेक्टर ए है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है. अब इसने कहा कि एक वेक्टर को प्लेनर टू, मान लिया वेक्टर आर है को प्लेनर टू ए एंड बी, मान लो कि ए प्लस लैम्डा बी. मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं फर्क पड़ता, जैसे मैं लैम्डा ए प्लस म्यू बी की जगह एक और वेक्टर एक और स्केलर हटा रहा हूँ, ए प्लस लैम्डा बी अज्यूम कर लिया, तो क्या आ गया a की वैल्यू i प्लस टू जे प्लस के लैम्डा, b i माइनस जे प्लस के
ठीक है, तो i इकट्ठे किए तो i के साथ आया 1 प्लस लैम्डा, प्लस j के साथ में आया 2 माइनस लैम्डा, प्लस k के साथ में आएगा 1 प्लस लैम्डा। दिस इज वेक्टर r। अब वेक्टर r का प्रोजेक्शन ऑन c की लेंथ है 1/√3। तो r डॉट c डिवाइड बाय मॉड c इज इक्वल टू 1/√3। तो r डॉट c 1 प्लस लैम्डा, c में क्या है 1, प्लस 2 माइनस लैम्डा, c का j वेक्टर 1, प्लस 1 प्लस लैम्डा, c का k वेक्टर माइनस 1, डिवाइड बाय रूट 3 इज 1/√3। ये कैंसल आउट, क्या बचा देखो, 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा, ये कट गया, 3 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो यह जाएगा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इज 1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। इसको पुट करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। सेकेंड, दोबारा चेक कर लेते हैं। एक थ्री, अच्छा सॉरी, ये प्लस है तो ये आके 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। हटाओ जरा, सही करो इसको, 3 पुट करो लैम्डा की वैल्यू, तो आएगा 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, 4 आई माइनस जे प्लस 4, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वी डब्ल्यू आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन ठीक है, देन इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। अपन को निकालनी है वैल्यू किसकी, आंसर 8। U प्लस V माइनस W डॉट U माइनस V क्रॉस V माइनस W W W W W W W, ऐसा कुछ है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको डॉट ले लेंगे इसके साथ। क्या आया देखो, U प्लस V माइनस W क्रॉस लिया है, U क्रॉस V, फिर माइनस वी क्रॉस वी गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आएगा माइनस यू क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी क्रॉस डब्ल्यू। 1/1 डॉट लेते हैं, यू डॉट यू क्रॉस वी गया, यू डॉट माइनस यू क्रॉस डब्ल्यू ये भी गया, बचा क्या, यू वी डब्ल्यू बॉक्स यू वी डब्ल्यू, फिर वी की बारी, जहां जहां रिपीट हो रहा काम करनी है, देखो वी के साथ ये वाला काम करनी, वी के साथ ये वाला काम करनी, यहां पे आएगा वी माइनस यू डब्ल्यू, तो माइनस बॉक्स वी यू डब्ल्यू, नेक्स्ट माइनस डब्ल्यू, उसके साथ ये काम करनी, ये काम करनी, माइनस डब्ल्यू यू वी, तो ये है यू वी डब्ल्यू माइनस, ये ऐसी रहने दो, वी यू डब्ल्यू, और ये है माइनस यू वी डब्ल्यू, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस वी यू डब्ल्यू लिख सकते हैं, माइनस यू वी डब्ल्यू, तो माइनस ऑफ माइनस यू वी डब्ल्यू का बॉक्स, नेट आ गया यू वी डब्ल्यू बॉक्स। क्लियर है ये चीज? सिंपल क्वेश्चन, सबको मैंने यू वी डब्ल्यू के बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, अच्छा ठीक है, उसमें क्रॉस डाला, इसमें इसमें क्रॉस डाला, ठीक है,
तो ऐसा होता तो नहीं है, देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है. वेयर ए बी एंड सी आर एनी थ्री वैक्टर्स सच दैट ए डॉट बी जीरो है और बी डॉट सी, ए डॉट बी जीरो नहीं हो सकता एंड बी डॉट सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए एंड सी आर. ठीक है, ए और सी के बीच में एंगल पूछ रहे हैं. शॉर्ट अगर ऑप्शन देखो कह रहे हैं इंक्लाइंड एट पाई बाय थ्री, इंक्लाइंड पाई बाय सिक्स, परपेंडिकुलर पैरेलल, मतलब कि हमें चाहिए एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर सी. तो एक इक्वेशन दे रखी है तो वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना है. जब हमें कुछ समझ में नहीं आता हम उसको सिंपली सॉल्व कर सिंपलीफाई कर लेते हैं. तो इस वेक्टर इक्वेशन को मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से सिंपलीफाई करूंगा तो आई विल गेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. दूर दूर वाले ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी. क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो ये तो कट गया, हो गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई, माइनस में हटाओ, क्या बचा बी डॉट सी ए, ए डॉट बी सी. तो ये तो कुछ मुझे दिख रहा है कि a इक्वल टू लैम्डा c गिवन दैट कि ये जीरो ना हो ये जीरो ना हो, और ये तो साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ये दोनों जीरो नहीं है. तो अगर a इक्वल टू लैम्डा b है मतलब कि ये दोनों है पैरेलल, दैट मींस ऑप्शन d. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस शीट. लेट ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी दिया है, सी माइनस, मतलब काफी इंफॉर्मेशन है. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इसमें. अभी समझ में नहीं आया स्टार्ट कहाँ से करें, तो वन बाय वन सारे इन्फो लिखेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है इसमें. तो ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, ए डॉट सी इज मॉड सी, सी माइनस ए इज टू रूट टू एंड एंगल बिटवीन ये दे रखे. ठीक, देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में अपने पास है पहली चीज वेक्टर ए है. वेक्टर ए क्या है, 2i प्लस जे माइनस 2k. ठीक है, वेक्टर बी क्या है, i कैप प्लस जे कैप. ठीक है, अब देखो ए डॉट सी है मॉड सी के बराबर और सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड है टू रूट टू के बराबर, और कुछ भी दे रखा है कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी 30 डिग्री. चलो ये सब है मेरे पास. अब मांग क्या रहा है ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल हो जाएगा अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर पता हो तो क्वेश्चन कितना इजी होता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड. मॉड ही क्यों मांगा है, अगर इसने डायरेक्शन नहीं चाहिए तो मॉड ही चाहिए. तो मॉड सिंपलीफाई होने पे क्या बन रहा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. कोई समस्या ही नहीं है, ए पता है बी पता है, मॉड निकाल लेंगे. इंटू मॉड सी इंटू साइन थीटा, ये भी गिवन है ये भी गिवन है, सम हाउ मॉड सी निकाल लो. बस मॉड सी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक तो मॉड सी ये रहा ए डॉट सी सी, सी माइनस ए टू रूट टू दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ सी माइनस ए टू रूट टू, और ए डॉट सी भी पता है मतलब कि कब आएगा, ए डॉट सी स्क्वायर कर दो. स्क्वायर किया तो मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस माइनस टू ए डॉट सी इज एट. मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर है 4 4 8 1 9 3 9 माइनस टू मॉड सी आ गया मॉड सी. ए डॉट सी की वैल्यू मॉड सी है गिवन है, ये यूज कर दिया अपन ने यहां पे, इज इक्वल टू 8 मॉड सी स्क्वायर माइनस टू मॉड सी 9 माइनस 8 प्लस 1 0
मॉड सी माइनस वन होल स्क्वायर जीरो. मॉड सी की वैल्यू कितनी आ गई? वन आ गई. क्वेश्चन में पुट कर दो तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? देखो मॉड सी पता है, फटाफट से ए क्रॉस बी निकालते हैं. ए क्रॉस बी की वैल्यू आई जे के टू वन माइनस टू और वन वन जीरो. आई आई के साथ जीरो टू माइनस जे जीरो टू के टू माइनस वन वन. टू का स्क्वायर मॉड निकालना है अपन खाली, तो मॉड ले लेते हैं. मॉड ए क्रॉस बी टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर वन थ्री आ जाएगा. अंडर रूट फोर प्लस वन रूट नाइन थ्री. तो नेट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? थ्री. इस पे पुट कर रहा हूं मैं, थ्री इंटू मॉड सी की वैल्यू वन इंटू साइन थीटा. एंगल दिया है 30 डिग्री, साइन 30 हाफ थ्री बाय टू. थ्री बाय टू इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. क्लियर है ये चीज? अच्छा क्वेश्चन था, डेटा काफी था, बस ये आपको एनालाइज करना था कि डेटा को कैसे यूज कर रहे हैं. क्लियर है ये चीज? तो ये अपन ने डिस्कस किए मेंस पैटर्न के क्वेश्चन. आपने देखा होगा कैसे मेंस पैटर्न के क्वेश्चंस डायरेक्टली हम फार्मूला बेस्ड कर सकते हैं या फिर जो हमने टाइप क्वेश्चंस किए हैं उसके ऊपर बेस्ड होंगे. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कवर द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एडवांस पैटर्न. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.